हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम NISELAO की सैलरी को डिस्कस करेंगे। अब सैलरी किसी भी एस्पिरेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी कोई एस्पिरेंट किसी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का डिसीजन लेता है तो एक बार ज़रूर सोचता है कि जब उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा, उस पोस्ट पर आ जाएगा, तो उसे सैलरी कैसी मिलेगी। और जब उसे यह पता चलता है कि जो सैलरी उसको मिलेगी वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो उसके अंदर जो मोटिवेशन होती है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की, जो ड्राइव उसके अंदर होता है सक्सेस को पाने का, वो भी बढ़ जाता है, वो भी डबल ट्रिपल टेनफोल्ड हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपने NISELAO एग्ज़ाम को दिया, क्लियर कर लिया और उस पोस्ट पर आ गए, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होने वाली है। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सैलरी स्लिप है, और इस सैलरी स्लिप की सबसे अच्छी बात ये है कि एक ऐसे इंडिविजुअल की है जिसने अभी जस्ट ज्वाइन किया है, जस्ट एग्ज़ाम क्लियर किया है और कुछ मंथ पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, जिससे आपको ये पता चले कि आप भी अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी। तो देखते हैं कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है सैलरी के। तो जो आपका बेसिक सैलरी है वो है 50,925। तो 50,925 आपकी बेसिक सैलरी है, ठीक है। इस पर आपको पेड, इस बेसिक सैलरी पर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। अब डियरनेस अलाउंस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उस महंगाई का असर आप पे ना पड़े, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन आपको डियरनेस यानी DA अलाउंस देती है, जो कि अभी अराउंड 50% या उससे ज़्यादा चल रहा है। तो वही रेट यहाँ पे हुआ है, तो 28,192 रुपीज़ इनको डियरनेस अलाउंस मिला है। इसके साथ साथ आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, HRA भी मिलता है। अब HRA आपको 7% to 10% मिलता है आपके बेसिक सैलरी पे, ठीक है। 7% कम मिलता है, 10% कम मिलता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में हुई है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में हो गई है, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होती है, महंगा ज़्यादा होता है वो शहर, तो वहाँ पे आपको 10% मिलता है। अगर आपकी मेट्रो सिटी में नहीं हुई है और उसके अलावा किसी और सिटी, किसी क्लास ए बी और या क्लास सी सिटी में हुई है, तो वहाँ पे आपको 7 to 9% का HRA मिलता है। अगर आपने लीज़ अकोमोडेशन लिया है तो लीज़ अकोमोडेशन भी आपको सिटी ऑफ वाइज मिलता है, ठीक है। उस केस में आपको HRA नहीं मिलता अगर आपने लीज़ अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया है, और वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पोस्टिंग मुंबई में है तो मुंबई में जो लीज़ मिलती है वो 35,000 मिलती है, ठीक है। 35,000 आपको लीज अकोमोडेशन मिलती है मुंबई में। अगर मुंबई को छोड़ के किसी और मेट्रो सिटी में हुई है तो 23,000 मिलता है। अगर मेट्रो सिटी में नहीं हुई है, क्लास ए बी या सी सिटी में हुई है, तो 9,250 से लेके 17,250 के बीच आपको लीज अकोमोडेशन मिल सकता है। उसके अलावा आपको कन्वेंस अलाउंस भी मिलता है 1,960 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कन्वेंस अलाउंस जो होता है वो सबके लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो टोटल जो सैलरी बनती है ग्रॉस, वो बनती है आपकी 84,642। अब कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे आपका NPS यानी कि 10% आपकी बेसिक प्लस DA का कटता है, ठीक है। इसमें 10% आपकी कंपनी भी देती है, तो वो यहाँ पे डिडक्ट हुआ है, ठीक है। टैक्स डिडक्ट हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो उसका भी जो कॉस्ट है वो डिडक्ट होगा। अब मेडिकल पॉलिसी में क्या होता है, अगर आपने मेडिकल ले लिया, ठीक है, तो उसका जो 75% है वो कंपनी बेयर करती है, यानी 75% कॉस्ट जो है वो कंपनी यानी NISEL देगी। आपको सिर्फ 25% ही देना होगा, यानी आपके सैलरी से बस उस मेडिकल पॉलिसी का 25% ही डिडक्ट होगा। बट चूंकि इन्होंने नहीं लिया था या नहीं लिया है अभी, तो मेडिकल जो है इनका नहीं डिडक्ट हुआ है, बट अगर इनकेस आप लेते हो तो ये आपका बाइफर्केशन होगा। तो जो टोटल डिडक्शन है वो है 11,088 रुपीज़, यानी जो टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनी थी वो बनी थी 84,642, यानी कि अराउंड 85,000 बनी थी, उसमें 11,000 डिडक्ट हो गए। तो इन हैंड सैलरी कितनी बनी वो देखते हैं। तो जो इन हैंड सैलरी है वो है 73,550 रुपीज़, यानी अराउंड 74,000 सैलरी आपको मिल रही है, वो भी कब, जब आपने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी अच्छी जॉब प्रोफाइल है, कितना अच्छा सैलरी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ सैलरी की ही बात ना करें, क्योंकि सैलरी तो अच्छी ही है ही यहाँ पे। अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, अगर वर्क कल्चर की बात करें, तो NISEL का वर्क कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप एज अ AO ज्वाइन करते हो तो काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। सबसे पहले तो आपकी फ़िक्स टाइमिंग होती है,
टाइमिंग क्या है? फिक्स्ड है, 10 to 6, ठीक है। उसमें आपके सैटरडे एंड संडे ऑफ होते हैं, यानी कि आप मंडे टू फ्राइडे काम कर सकते हो, सैटरडे संडे आप रिलैक्स कर सकते हो। और काम भी मतलब बहुत ही ज़्यादा टारगेट बेस्ड नहीं है, ठीक है, सेलिंग बेस्ड नहीं है। बहुत से लोगों में ये डाउट होता है कि सर अगर इंश्योरेंस का वर्क हो रहा है तो जरूर टारगेट्स होंगे हमारे, बट यहाँ पे क्या है, जो NISCL है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वो जनरल इंश्योरेंस का काम करती है, तो यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो काम भी काफ़ी अच्छा है, वर्क कल्चर अच्छा है, फिक्स टाइमिंग है आपकी, सैटरडे संडे ऑफ है, सो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी किसी के लिए भी। अगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो स्कोप ऑफ ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, स्कोप ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। हर 3 ईयर्स पे आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, मतलब हर 3 साल पे आप प्रमोट हो सकते हो। उसके बाद फॉरेन पोस्टिंग भी होती है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वैकेंसी एंड आपकी कैपेबिलिटी, फॉरेन पोस्टिंग भी होती है, ठीक है। तो देख सकते हो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, सैलरी अच्छी है, वर्क कल्चर अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है, विच मेक्स दिस NISCL AO अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। और इसमें क्या सबसे अच्छी बात है कि जो एस्पिरेंट्स लाइक बैंकिंग को टारगेट करते हैं तो सिमिलर सिलेबस यहाँ भी होता है, तो सिमिलर पैटर्न के एग्ज़ाम यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जनरल जनरलिस्ट से अप्लाई कर सकते हो या फिर स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, हाँ, ठीक है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पे जनरलिस्ट के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपके पास कोई अलग सी डिग्री है लाइक IT की है, मेडिकल की है, आपके पास अकाउंटिंग की है, लॉ की है, तो आप स्पेशलिस्ट वे में भी अप्लाई कर सकते हो। तो सैलरी इज़ गुड, वर्क कल्चर इज़ ग्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफ़ी है, विच मेक्स दिस अ वेरी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी। तो जो भी एस्पिरेंट जो इस साल लाइक NISCL AO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बूस्ट देगा ही। ऐसे एस्पिरेंट जिनको NISCL के बारे में पता नहीं था या फिर वो इसे स्किप कर देते थे, वो भी एक बार ज़रूर सोचे इसको देने के लिए। अब लास्ट ईयर क्या था, जो इसकी नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी अराउंड लेट जुलाई, ठीक है। तो इस साल भी जो लास्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था वो आया था आपका लेट जुलाई, तो इस साल भी हम नोटिफिकेशन इसी टाइम फ्रेम में एक्सपेक्ट करेंगे कि जुलाई अगस्त के बीच आपको नोटिफिकेशन हो जाए और पूरा प्रोसेस आपका दिसंबर जनवरी तक ख़त्म हो जाता है। लाइक विद इन 6 मंथ्स आप अप्लाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, क्लियर करते हो और AO के पोस्ट पे आ जाते हो, ठीक। अब आपको करना क्या है, आप ये तो जान गए हो कि ये पोस्ट कितना अच्छा है और कितने सारे पर्क्स है, सैलरी है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अब आपको क्या करना है, आप हमारे प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका NISCL AO यहाँ पे है, मॉक्स हैं, फ्री टेस्ट हैं, आप प्रैक्टिस करो, अटेम्प्ट करो इन मॉक टेस्ट को और देखो कि अभी आपका लेवल क्या है, ठीक है, और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो ये मॉक टेस्ट जो भी है यहाँ पे वो उस चीज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्रैक्टिस मॉक वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे बैंकिंग कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होगा, वहाँ पे NISCL AO 2023 का होगा, यहाँ पे इन मॉक्स को दो, एक्सपेक्टेशन हम अराउंड लाइक जुलाई अगस्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी टाइम है, तो अभी आप अपने जो भी मॉक दोगे, जो भी आपको लगेगा कि एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के, वहाँ पर आप इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहाँ पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आप बाकियों से आगे रहोगे रेस में। तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी कि आप इस मॉक्स देना स्टार्ट करो और प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो, बिकॉज यू नाउ नो कि कितनी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अगर आप देना चाहते हो यहाँ पे तो अवेलेबल है मॉक्स, और ऑल द बेस्ट देने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।